पंजाब हुकूमत का पीर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल करने का ऐलान। इंटर सिटी बस सर्विस और ऑनलाइन टैक्सी सर्विस भी चलेगी। किरायों में 20% कमी कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी पीर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला। बलोचिस्तान और सिंध में पाबंदी बरकरार। कराची के ट्रांसपोर्टर्स ने भी ईद से पहले गाड़ियां चलाने का मुतालबा कर दिया। कोरोना के इलाज के लिए वैक्सीन तैयार की जा रही है, लेकिन करप्शन वायरस का तरियाक इमरान खान है। वजीर इत्तला'आत शिबली फराज कहते हैं ओपोजिशन का तरमीमी नैब ऑर्डिनेंस अब्बू बचाओ ड्राफ्ट है जिस पर कोई बात नहीं हो सकती। शहजाद अकबर शहबाज शरीफ के खिलाफ नए सबूत ले आए। कहा जिन फरिश्तों को भैंसों का दूध करोड़ों रुपए में बेचते थे वो मंजर आम पर आ चुके हैं। शहबाज शरीफ के तमाम असासे डिक्लेयर हैं। हुकूमत ने भैंसों की झूठी कहानी घड़ी। शहजाद अकबर को प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए रखा गया है। चैलेंज करते हैं कि 18 सवाल लेकर आ जाएं। लाहौर में लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ईद के बाद पकड़ धकड़ का माहौल बनाया जा रहा है। कैटल फार्म का हिसाब मांगने वाले चीनी चोरी का जवाब दें। और ईद उल फितर पर 2 या 3 नहीं पूरी 6 छुट्टियां मिलेंगी। वजारत दाखला ने 22 से 27 मई तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तातीलात के दौरान तमाम अवामी मकामात बशमूल पार्क्स और बाजार बंद रहेंगे।